बाहर तो हाँ निकलकर किसानों की दर्द दुख को समझो और आप देख सकते हैं किसान हर एक पार्टी किसान की बात करती है वोट लेती है और किसान को गुमराह कर जीतती है और शासन करती है लेकिन मैं आपको बता दूं आप देख सकते हैं काकी की धूप में कैसे किसान खेत के अंदर मर रहे हैं जल रहे हैं मैं चाहूंगा थोड़ा भैया इधर दिखाइए किस तरह से ये टेपा पका हुआ है ये धूप से पका हुआ है भैया एसी में बैठकर हवा खाने से नहीं हुआ है अब देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच पांच बार किसान अपने बिया को पटा रहे हैं लेकिन फिर भी बिया हो नहीं रहा है और नहर में पानी नहीं है और पानी आता भी है तो नहर से बाहर पानी निकलता नहीं है तो क्यों ना यहाँ पे एक स्टेट बोरिंग की व्यवस्था की जाए हर एक गाँव के हर एक शरे में एक स्टेट बोरिंग यदि रहता दो रहता या बिजली का खम्बा दिया जाता तो किसान अपने ए, ए, बोरिंग हलाता और मोटर से पानी पटाता है सस्ते दामों में तीन सौ रुपये प्रति घंटा के दर से खेत पटाया जाता है क्या बचता है किसान को भाई साहब घर से बाहर निकलो और एसी से बाहर निकलकर किसानों की दर्द दुख को समझ... दर्द दुख समझो कि कितना पीड़ित है लोग कैसे अपना एक एक बूंद पानी के लिए किसान मर रहा है तप रहा है जब तीन बार चार बार पांच बार पटाएगा तो पान ते पंद्रह सौ रुपया हो गया भैया अभी रोपनी है रोपनी में पटाना है बिया खाद कैसे होगा कैसे होगा पानी के लिए कितना मर रहा बहुत मर रहा हमें पानी खोदा तोड़प रहा महीन ना हमने के को सुविधा बा पानी के कोनो ना सुविधा बा ना यहाँ कोनो जल नल से भी सुविधा बा और ना बोरिंग का सुविधा बा नहर में भी पानी आता है तो नहीं निकल रहा है नहर के अंदर रह जाता है कभी पानी आता है कभी नहीं आता है बहुत तकलीफ हम लोग का हम चार बिया पटा चुके हैं कहीं तीन सौ कहीं छः सौ रुपया लोग घंटा ले रहे हैं

बाजार के अंदर आपको देख दे, बाज़ार में देखिए किस तरह से चापाकल कल सूख रहा है और गांव में कैसे किसान मर रहा है पेड़ अलग सूख रहा है और खेत अलगे सूख रहा है नहर में पानी नहीं है खेत में लाइन नहीं है स्टेट बोरिंग नहीं है आखिर किसान जाए तो जाए कहाँ अरे साहब कम से कम आप लोग जब जीतते हैं तो पार्लियामेंट में, में बोलते हैं कि हम किसान का बेटा हैं अगर किसान का बेटा रहते तो किसानों के लिए काम करते आप देख सकते हैं कहीं भी खेती के लिए व्यवस्था नहीं किया गया है एक सिंचाई करने के लिए नहर बना दिया गया है लेकिन नहर में पानी आता है और पानी भी आता है तो नहर से बाहर निकलता नहीं है फिर नहर बनाने से फायदा क्या चलिए आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या कुछ करना चाहिए सरकार को क्या किसान के लिए स्पेशल काम करना चाहिए कि नहीं केवल दो हजार रुपया दे देने से काम चल जाएगा का दो हजार रुपया मत दीजिए साहब हमारे लिए यहाँ स्टेट बोरिंग करवाइए हर एक खेत में बिजली का पोल दीजिए बोरिंग दीजिए तब जाकर के लोग सुरक्षित रहेंगे जी पाएंगे नहीं तो इतना कर्ज में दब दब जाएंगे कि मरने लगेंगे और आत्महत्या करना पड़ेगा मजबूरी में चलिए कुछ लोग यहाँ पे और हैं इन लोगों से भी हम बात करेंगे चलो कितना परेशान भाई, भाई लोग कोई भी पानी पटावा था पांच बेरी मिला के पाट गई आज अभी दो दिन के तीन दिन के भर गया फिर पार्टी आज तीन सौ रुपया घंटा पटावा था तो अब जोड़ लीजिए मैं कितना खर्चा लागो अभी रोपाई खाद आ उ जाना का पैसा जाना लोग पन पियाई अभी धान केतना पार्टी ओकर कोनो ठेकाना नहीं है अगर ना बरती तो उ माना किनलो से बेसी महंग का पड़ी बल्कि खेतवे और बिका जाय यह समस्या रहा नहर से कितना फायदा बा नहर से कोनो फायदा नहीं है नहर में कहियो पानी ना आवेला आ में मतलब के नहर बा अगर नहर में पानियो रही तो इतना खाल बाज़ में भूल्की नहीं खाने खे, खेत में ही के आवेला वो आइयो के कनहू से पानी तो वैसे फायदा ना होला हो पम्पी सेट से चलाब के पड़ी तब सरकार अगर बोरिंग रही बोरिंग तो तो स्टेट बोरिंग से फायदा हो कि ना सरकार के अगर स्टेट बोरिंग मान हर एरिया में दू गो चार गो हो जा तो वो से लोग फायदा हो तो आसान से बिजली के तार अगर वहां जाए तो आराम से सब लोग अपन अपन पटा लीत और सहूलियत मिली तब न सरकार तो सारा कर हमी से लेते बा लेकिन गिरहत मर जाई तब फिर सरकार रही वोट में सब सरकार की कोई भी नेता बात करता किसान खातिर केहू नहीं काम करहू नेताओं पोलिटिक्स देतालो हफरी है वोट आ, आ, ले लेता लो लेकिन काम कुछ नहीं खेलो पर बैठ जाबा यहाँ का होता के देखे आवेला के बिगड़ता के मोरल का भे पुछा नहीं खे तो देख सकते हैं यही वो त्रिवेणी कैनाल है किस तरह से परती पड़ा हुआ है और इसके अंदर भी दरारे फट चुकी है और इस नहर में पानी तो आता नहीं है और पानी जब आता भी आए तो यह नहर के अंदर ही रह जाता है इस नहर से भुलकियों में यानी छोटे छोटे जितने भी शखाए नहरी हैं उसमें पानी नहीं निकल पाता है आखिर इस नहर से क्या फायदा है क्या कोई फायदा दिखता है कोई फायदा नहीं दिखता है और किसान के लिए यह नहर को बनाया गया है लेकिन पर नहीं उतना ही है बरसात का मौसम आता है यही नहर के चलते बाढ़ आता है और सैकड़ों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाता है तो देख सकते हैं साहब इस नहर को बनवाइए इस नहर का पानी निकासी निकलना चाहिए नहीं निकल पाता है यह नहर का पानी इसलिए हर एक गरीब मांग कर रहा है कि हर एक सरे में हर एक खेत में बोरिंग की व्यवस्था की जाए लाइन दिया जाए बिजली दिया जाए ताकि किसान अपना मोटर से कम खर्च में खेत पटा सके तीन सौ चार सौ पाँच सौ मुँह महंगा प्रति घंटा के रेट से दमकल वाले को पैसा देना पड़ता है कहाँ से लाएगा किसान मर जाएगा इसलिए बहुत ऐसे किसान कह रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे जब कर्ज से डूब जाएंगे तो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ लास्ट में हमको मरना पड़ेगा चलिए कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि किसान आज मर रहा है एक एक बूंद पानी के लिए लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है सब लोग अपने चौबीस की तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन किसान को कौन देखेगा साहब <clears> hey. <throat>